हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, मैथ्स क्लास फाइव चैप्टर फाइव है, एक्सरसाइज 23। चैप्टर फाइव का ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें HCF और LCM का वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, तो आज हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और इसी के साथ ही चैप्टर फाइव समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर वन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें। Find the greatest number which divides 18 and 24 exactly. एक ऐसा बड़ा नंबर खोजना है जो इन दोनों को एग्जैक्टली मतलब पूरी तरह से डिवाइड कर दे, तो इसके लिए हम लोग को एक पेपर लेना होगा। यहाँ पे ये सब क्वेश्चन जो जितने भी दिया हुआ है उसमें से आप देखेंगे एक वर्ड्स मिलेगा आपको, एक वर्ड मिलेगा ग्रेटेस्ट, इस तरह से ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भी कहीं दिया होगा मैक्सिमम दिया हुआ है, इस तरह का बड़ा छोटा करके जो नंबर देगा तो आपको ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट इस तरह का कोई भी नंबर मिलेगा, मैक्सिमम नंबर मिलेगा। तो उसमें आप समझ जाना है कि ग्रेटेस्ट मतलब HCF निकालना है और स्मॉलेस्ट मतलब, और स्मॉलेस्ट का मतलब आपको LCM निकालना है। इस तरह से सिंपली आपको इतना जानना है। क्वेश्चन को आप डीपली समझ सकते हैं या फिर अगर अभी डीपली अगर समझ में नहीं आता है तो उतना ज़्यादा फोर्स नहीं डालना है अपने दिमाग पर, क्योंकि बाद में यह सब क्वेश्चन जो है आप लोगों को डीपली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन में ग्रेटेस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर HCF निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 18 और 24। तो जो सबसे कॉमन मेथड है इसका, जो आसानी से निकाला जाता है, डिवीजन मेथड होता है HCF निकालने के लिए, तो उसी से हम लोग निकालते हैं। 18 हो गया और इसको 24 से ये हो गया, तो 18 टू जा 36 होता है, तो ये टू बार में जाने वाला नहीं है, वन बार में जाएगा। तो यहाँ पर 18 हो गया और यहाँ पर 14 में 8 चला गया तो 6 हो जाएगा, 6 हो गया और यहाँ पर ये कट गया, 6 आ गया। अब 6 को यहाँ पे घेर देते हैं और इसको यहाँ पे नीचे ले आते हैं, यहाँ पे नीचे ले आते हैं, हो गया यहाँ पे 18। तो 6 का टेबल से 3 बार में 6 3 जा 18 हो गया और ये कट गया। तो HCF जो होता है इधर वाला नंबर होता है, तो इसका आंसर जो है 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, लिख सकते हैं इसको 6 इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। तो 6 ही सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। 6 इज ग्रेटेस्ट नंबर, ये आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 27 एंड 45 एग्जैक्टली। एक ऐसा सबसे छोटा नंबर खोजना है जो नंबर इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, इन दोनों से, तो उसके लिए हमें LCM निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर टू यहाँ लेते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है 27 और 45, तो इसको LCM इस तरह से, सबसे कॉमन मेथड ये है, इसको इस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये किससे जाने वाला है, 2 से तो जाने वाला है नहीं, ये 3 से जाएगा, तो 3 से ले जाते हैं। 9 3 जा 27 और 15 3 जा 45। अब ये फिर 3 से जाएगा, 3 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ये प्राइम नंबर आ गया है, इससे आगे जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा इसको ले लेते हैं, 3 × 3 × 3 × 5, 5 3 जा 15 हो गया, 15 3 जा 45 और 45 3 जा 45 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ बगल में कर लेते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 5 3 जा 15 हो गया तो 15 लिख लेते हैं यहाँ पे, और 1 बच गया, 4 3 जा 12 और 1 13 हो गया, 13 मतलब है कि 135 जो है स्मॉलेस्ट नंबर ये है जिससे ये दोनों नंबर से ये डिविजिबल हो जाएगा, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। टू बिग पैकेट्स ऑफ बुक्स कॉन्टेंट्स 54 बुक्स ऑफ हिंदी एंड 84 बुक्स ऑफ इंग्लिश रेस्पेक्टिवली। एक दो बड़ा पैकेट है जिसमें एक हिंदी का बुक है इतना 54 बुक्स है और इंग्लिश का 84 बुक्स है। तो यहाँ पे दिस बुक्स आर टू बी पैक्ड इन टू स्मॉल पैकेट्स विच विल कॉन्टेंट सेम नंबर्स ऑफ बुक्स। इसका इन दोनों बुक्स का जो है छोटा छोटा पैकेट बनाना है और दोनों पैकेट में सेम नंबर बुक्स होना चाहिए, दोनों में बराबर होना चाहिए और सारे पैकेट में सेम नंबर बुक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे कंटेंट सेम नंबर ऑफ बुक्स ऑफ टू सब्जेक्ट्स सेपरेटली, दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग बनाना है और दोनों में ही सेम नंबर का पैकेट होना चाहिए, पैकेट में सेम नंबर बुक्स होना चाहिए। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बुक्स ऑफ इच सब्जेक्ट कैन बी पैक्ड इन इच स्मॉल पैकेट्स। उस छोटे पैकेट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना बुक्स को रखा जाए कि इसका भी उसी नंबर का बुक्स रखते हुए पैकेट बन जाना चाहिए और इसका भी बन जाना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैक्सिमम दिया हुआ है, तो मैक्सिमम
ये सारे वर्ड्स जो है आप लोगों को काम देगा, इस सारे वर्ड्स को ध्यान में रखना है। मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस यहाँ पे HCF हम लोग निकालेंगे, इससे इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है 54 और 84। यहाँ क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 3। 54 कॉमन मेथड ये है जिससे डिवीजन मेथड है, इससे निकालते हैं। 54, 84 को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही बार में जाएगा क्योंकि यहाँ पे 100 से ज़्यादा चला जाएगा, और यहाँ पे 54 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। फिर इसको यहाँ पे 54 ले आते हैं, और फिर यहाँ अगर 2 बार जाते हैं तो 60 हो जाएगा, और ये 60 से कम है तो 1 बार जाएंगे, 30, यहाँ 4, और यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ फिर से इसको घेर देते हैं, 30 नीचे ले आते हैं, 30, 24 से 2 बार में जाने वाला नहीं है, ये 1 बार में ही जाएगा। तो 1 बार और ये 24 को यहाँ पे ले लिए, कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आएगा, 6 ये कट गया। अब जो है 24 को यहाँ ले आते हैं, 24, और ये जो है 6 4 24 यहाँ पे आ गया, और ये कट गया, पूरा कट गया। और इसका आंसर जो है इधर होता है, HCF 6 आया, मतलब है कि एक पैकेट में 6 बुक्स आएगा, दोनों का 6 बुक्स, और ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ, द स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लासेस आर टू स्टैंड सेपरेटली। 2 क्लास का बच्चा जो है अलग अलग खड़ा करना है, इन टू रोज हैविंग सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, और एक पंक्ति जो बनेगा, जितने भी पंक्ति बनेगा उसमें सभी में बराबर स्टूडेंट्स होना चाहिए। देर आर 24 एंड 36 स्टूडेंट्स इन द 2 क्लासेस, 2 क्लास में 24 और 36 बच्चे हैं, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स विल स्टैंड इन इच रो। तो इस तरह के कितने पंक्ति बनेंगे जिसमें कि बच्चों की संख्या इक्वल इक्वल हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स, यहाँ पे देख रहे हैं ये वर्ड यूज हो रहा है, मैक्सिमम मतलब है कि यहाँ पे HCF निकालना है। तो 2 नंबर यहाँ दिया हुआ है 24 और 36, तो इसको यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ये यहाँ बन जाएगा 4 नंबर 24 और 36, ये हो गया। तो 24 2 48 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार में ही जाएगा, 1, और यहाँ पे 24 ले लिए, इसको माइनस कर लेंगे, तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ 1 हो गया। उसके बाद फिर से इसको घेर देंगे, तो यहाँ पे 24 नीचे आ गया, और 12 2 24 यहाँ तक कट गया, ये कट गया, तो इधर वाला आंसर होता है 12। तो इसका मतलब है कि एक रो में 12 स्टूडेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 स्टूडेंट्स, ये इसका हो जाएगा आंसर। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ए शॉपकीपर सोल्ड मैथमेटिक्स बुक्स फॉर 108 रुपीज़ ऑन मंडे एंड फॉर 84 रुपीज़ ऑन ट्यूजडे। मंडे को जो है एक दुकानदार जो है किताब बेचने वाला, एक किताब को बेचता है 108 रुपये में, और ट्यूजडे को फिर वो बेचता है 84 रुपीज़ 84 रुपये में। वट कैन बी द मैक्सिमम प्राइस ऑफ ईच बुक्स, तो उस बुक्स का, प्रत्येक बुक का ज़्यादा से ज़्यादा कीमत क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम दिया हुआ है, तो मैक्सिमम मतलब हो गया अधिकतम, और इसका मतलब है कि HCF निकालना, हाईएस्ट। तो यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है 84 और 108, तो इसको हम लोग HCF कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ले लेते हैं, 2 नंबर दिया हुआ है 84 और 108, तो यहाँ पे 84 ये लगभग 100 के आसपास है, तो 108 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2 बार में जाने वाला नहीं है, 1 बार में ही जाएगा। 84 यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो 4 आ जाएगा, और 10 में से 8 2 हो जाएगा, यहाँ से इसको 84 नीचे ले आते हैं, तो 24 कितने बार में जाएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 3 6 हो रहा है, तो लगभग 3 बार में जाएगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। 24 को 3 से अगर हम जाते हैं तो 12 हो गया, 2 1 बच गया, और 3 2 6 6 और 1 7 हो गया, 72 हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 3 बार में चलते हैं, 3 बार में 72 हो गया, और माइनस कर लेते हैं इसको 2, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 12 24 आ गया, तो यहाँ पे 24 दे देते हैं, 12 2 24 ये कट गया, यहाँ पे कट गया, ये आंसर जो है इधर HCF का आंसर इधर आता है, इसका मतलब है कि 12 रुपीज़ हो जाएगा, इसका आंसर जो है
₹12, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12 एंड 18। एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर खोजना है जो 9, 12 और 18 से पूरी तरह कट जाए। तो इसका मतलब है कि लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये लिस्ट जो है छोटा से छोटा, इसका मतलब है एलसीएम। इन सब का एलसीएम निकाल लेना है और वही आंसर आ जाएगा। तो 9, 12, 18 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, 9, 12, 18, ये तीन नंबर दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से तो जा रहा है, ये दो नंबर जा रहा है, इसलिए 2 से लेते हैं। 9 यूँ ही रह जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ 9, 2 जा 18, ये हो गया। अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से जाएगा, 3, 3, 3 जा 9, 3, 2 जा 6 और 3, 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा क्योंकि 2, 3 है यहाँ पे, 3, 1 हो गया, फिर यहाँ 2 रह गया और यहाँ 1 हो गया। इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है, यहाँ पे एक प्राइम नंबर आ गया। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3 × 2, 3, 3 जा 9 हो गया, 2, 2 जा 4 हो गया, तो 9, 4 जा 36। इसका मतलब है कि वो छोटा से छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 36 और ये 36 ही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं। ए बिग कैन कॉन्टेंस सम मिल्क, एक बड़ा सा जार में या बड़ा बर्तन में मिल्क भरा हुआ है, दूध है। पॉट्स ऑफ 2 लीटर्स, 4 लीटर्स और 5 लीटर्स कैपेसिटी आर टू बी फिल्ड होल नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम इट। तो यहाँ पे हमारे पास लीटर जो है, लीटर वाला बर्तन 2 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर का बर्तन है, और इन तीनों से इस प्रकार से भरना है कि तीनों से अगर हम भरेंगे तो पूरी तरह से वो भर जाए। तो इस तरह का व्हाट कैन बी द लिस्ट कैपेसिटी ऑफ द बिग कैन, तो उस तरह का बड़ा मतलब कम से कम कितना बड़ा, छोटा से छोटा कैपेसिटी का कितना बड़ा कैन हो सकता है कि इन तीनों लीटर से भरेंगे और वो भर जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट, देख रहे हैं ये वर्ड है, और इसका मतलब है कि एलसीएम आप लोगों को निकालना है। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 2, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 7, 2, 4, 5, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 2 से जा रहा है, 2 यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 5 हो गया। अब ये जाने वाला नहीं क्योंकि ये दोनों ही प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 2 × 2 × 5, 5 × 2 = 10 हो गया, 10 × 2 = 20। इसका मतलब है कि 20 लीटर का कम से कम इतना बड़ा कैन होना चाहिए, तभी ये तीनों लीटर का जो कंटेनर है इन तीनों से ये पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 8 पे आते हैं। व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर ऑफ बनानास ए टीचर शुड हैव सो दैट व्हेन ही डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वल नंबर ऑफ देम टू हिज 3 ग्रुप्स ऑफ 10, 15 और 25 स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक टीचर है जो कुछ बच्चों के ग्रुप्स को वो केले उस देता है, बांटता है, और उसका ग्रुप्स जो है 10 का या 15 का या 25 का ग्रुप्स बनाता है। 9 बनाना इज लेफ्ट विथ हिम, और उसके पास कोई भी बनाना नहीं बचता है जब वो बांटता है उन बच्चों को। कितने बनाना उसके पास होने चाहिए ताकि सारे बच्चों को मिल जाए और एक भी बनाना ना बचे। तो इसको जो है यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट में ये वर्ड दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमको इसका एलसीएम लेना है। तो किसका एलसीएम लेना है, 10, 15 और 25। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें नंबर दिया हुआ है 10, 15, 25। इसका एलसीएम लेते हैं, 2 से जाएगा, 2 से नहीं जा रहा है, सिर्फ एक नंबर जा रहा है। तो यहाँ पे 3 से भी जाने वाला नहीं है, 5 से ले लेते हैं। 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25। इससे आगे जाने वाला नहीं है क्योंकि ये तीनों ही प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे ले लेते हैं 5 × 2 × 3 × 5 = 5, 5 = 25 हो गया, और 25 × 50 और 53 = 150। तो इतने बनानाज होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछ रहा है 3 bells ring at intervals of 15, 20 and 30 minutes। 3 bell है और वो 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल में बजता है। इफ़ दे ऑल रिंग
एट 11 AM टुगेदर, अगर तीनों के तीनों 11 बजे के टाइम में एक साथ बजा था, एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर, तो फिर अगली बार वो तीनों एक साथ कब बजेगा। इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तीन नंबर से यहाँ पे दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 20 और 30 दिया हुआ है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से जा रहा है, ये दो नंबर जा रहा है 2 से, तो यहाँ 15 जैसे कि तैसे रह जाएगा, यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, अब 2 से नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पे 3 से ले लेते हैं, 3 से दो नंबर जा रहा है, तो यहाँ 5 हो गया, 5 3 जा 15, यहाँ 10 रह गया और यहाँ पे फिर 5 हो गया, और इसके आगे 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, इसके आगे जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो गया 2 × 3 × 5 × 2, तो यहाँ पे 5 2 जा 10 हो गया, और 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, मतलब हो गया ये मिनट्स दिया हुआ है, यहाँ पे 15 20 30 मिनट्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 60 जो आया वो मिनट्स है, मिनट्स हो गया। तो 60 मिनट्स का मतलब होता है 60 मिनट्स, शॉर्ट में लिख दिया है मिनट्स, और 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर। तो एक साथ कब बजा था, 11 o'clock, तो 11 आएगा, तो AM है ये, AM मतलब सुबह के समय में बजा था, और इसमें प्लस 1 कर देते हैं, तो 11 के बाद कितना बजेगा, 12 हो जाएगा, तो 12 noon, दोपहर का समय हो जाएगा, कितना बजे फिर से एक साथ बजेगा, तो 12 noon जो है यही आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9, अब लास्ट क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको, एन आर्मी ऑफिसर वांट्स टू फॉर्म इक्वल रोज ऑफ 15, 20 और 25 सोल्जर्स। एक आर्मी ऑफिसर है, वो 15, 20 या 25 का एक इक्वल पंक्ति बनाना चाह रहा है, उसका कतार बनाना चाह रहा है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स शुड ही हैव, तो उसके पास कम से कम कितने सोल्जर्स होने चाहिए कि इस तरह की वो पंक्ति बना सके। तो ये तीनों पंक्तियाँ बननी चाहिए, 15, 20 और 25, ऐसा नहीं कि कोई एक पंक्ति बना लिया, तो इस तरह का, इसका मतलब है कि मिनिमम, यहाँ पे वर्ड्स देखिए, मिनिमम वर्ड दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 15, 20, 25। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया हुआ था 15, 20, 25, इसके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, एक तो नंबर जा रहा है, तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 5 से सब जा रहा है, तो यहाँ पे 5 3 जा 15 हो गया, और यहाँ पे हो गया 5 4 जा और 5 5 जा, इसके आगे ये प्राइम कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है नहीं, बाकी सब प्राइम नंबर आ गया है, तो इसको एक बार जाना पड़ेगा। 2 से ले जाते हैं, 3 रह जाएगा और 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 5, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 × 2 × 3 × 2 × 5, 5 5 जा 25 हो गया, और 25 2 जा 50, 50 2 जा 100 हो गया, और 100 3 जा 300 हो गया, मतलब एटलीस्ट कम से कम 300 सोल्जर्स चाहिए, 300 सोल्जर्स की आवश्यकता पड़ेगा उसको, और ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे ये पूरी तरह एक्सरसाइज 23 कंप्लीट हो जाता है, इसी के साथ चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर 6 का इंट्रोड्यूसिंग वीडियो बना हुआ है, और 24 एक्सरसाइज भी बना हुआ है, तो आपको अगला एक्सरसाइज जो है 25 मिलेगा। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक्सरसाइज 25 को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।